हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स देखिए, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि उनका जो माल्टा का वीएफएस से वो अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहे हैं। फ्रेंड्स मेरी अभी वीएफएस में, मैं किसी को जानता हूँ, मैंने उनसे अभी अभी बात की है, जस्ट आधे घंटे पहले मेरी बात हुई है उनसे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, पहले तो अगर आपके पास वहां से अप्रूवल लेटर आ चुका है, आपको वीएफएस में लॉग इन करना है, उसके बाद आपको शायद वेटिंग आ रहा है या शायद वो पेज आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसके रीजंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रीजन है, एज पर वीएफएस, जो वीएफएस ने बताया कि आपकी जो ब्राउजर की हिस्ट्री है, कैचे है, कुकीज है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, वो क्लियर करिए। और अगर आपने समझ लीजिए पहले भी वीएफएस उसी, अगर आप घर पे वाईफाई पे कनेक्टेड है, उसी वाईफाई से कर रहे हैं, तो वाईफाई को स्विच ऑफ कर दीजिए, या अपने मोबाइल डेटा से करिए, या किसी के और फोन से लॉगिन करिए। आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। समझ लीजिए, ये देखिए मैंने जो सारा काम किया था, मैंने इस फोन से किया था, और मेरा फोन कनेक्टेड था वाईफाई से मेरे घर पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि मेरी हिस्ट्री में वो आ चुका है। मुझे क्या करना है, पहले तो अपनी फोन की सारी हिस्ट्री डिलीट करनी है, अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं, कंप्यूटर की सारी हिस्ट्री डिलीट करनी है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, या तो आप जो वाईफाई से इंटरनेट कनेक्टेड है वो आप मत करिए, अपना जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, मोबाइल डेटा से करिए या कहीं दूसरे वाईफाई से करिए, एक चीज। दूसरी, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है, आपको जो ब्राउजर यूज करना है, आपको गूगल या फिर जो नॉर्मल इंटरनेट वाला आता है वो यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स का जो आता है ब्राउजर, वही यूज करना है आपको। क्या कैसे, हिस्ट्री और कैचे और कुकीज क्लियर करके। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका पासपोर्ट नंबर, जब आप भरेंगे उसके आगे आपको एक जीरो लगाना है। क्या लगाना है, एक शून्य जीरो लगाना है पासपोर्ट नंबर के आगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे खुद बोलेंगे कि आपका काम हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो क्रेडिट कार्ड, जो आप पेमेंट करेंगे वो इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए एक्टिवेटेड होना चाहिए। आप उसको अपने इंटरनेट बैंकिंग में जाके, अगर नहीं कर पा रहे हैं, अपने बैंक में जाके अपना कार्ड दिखा के उसको एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ एज पर बीएफएस ने क्या बताया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना आईपी एड्रेस चेंज करना है, ब्राउजर आपका करना है फायरफॉक्स करना है, हिस्ट्री क्लियर करनी है, कुकीज क्लियर करना है, कैशे क्लियर करना है, उसके बाद आपको करना है जीरो लगाना है पासपोर्ट के आगे, जीरो लगाना है, अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को इंटरनेशनल परचेज के लिए एक्टिवेट करना है। ये सारी चीजें करिए फ्रेंड्स, पक्का हो जाएगा। नहीं होता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करिए, 7382036222 है, कॉन्टैक्ट करिए और हम लोग मिलके आपका वीएफएस का काम कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस।